Hey everyone, welcome back to my channel. This is Kirti and this is another video from my city Varanasi, जिसमें मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ बनारस के घाट पे. So ये video कुछ interesting होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ नया करने वाले हैं. So I'm going to explore बनारस as a tourist, मतलब कह सकते हो आप tourist या tourist guide, क्योंकि मेरी cousin आई हुई है वर्तिका, जिसको आपने मेरे दूसरे ब्लॉग्स में भी देखा है, अभी रिसेंट के ब्लॉग्स में. तो वर्तिका आई हुई है और आज मैं उसको बनारस घुमाने वाली हूँ, बनारस की गलियाँ घुमाने वाली हूँ. तो बहुत कुछ हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं. तो वर्तिका, आर यू रेडी? यस. एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा. तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि इसको पूरा बनारस वाला फील दे दूँ एक दिन में. तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम कवर कर पाते हैं और शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की हर हर महादेव के साथ. हर हर महादेव. सो अगर बनारस को अच्छे से जानना है तो बनारस की गलियों से तो गुजरना ही होगा. तो हम भी आ चुके हैं बनारस की गली में. और अगर आप एक बनारसी हैं तो आप ज़रूर इस गली को पहचानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर गली है. तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप इस गली को पहचानते हो. तो गलियों से गुजर के हम पहुँचने वाले हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पर. तो अब सुबह का टाइम था और सुबह में विंटर के सीज़न में हमारा बनारस फेमस है अपने मलइयों के लिए. तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम मुंह मीठा करके अपने सफ़र की शुरुआत करिए. तो चलिए आपको लेके चलते हैं बनारस की सबसे मशहूर मलइयों की शॉप पे, जो कि है श्रीजी स्वीट्स. तो चलिए आपको टेस्ट कराते हैं बनारस के फेमस मलइयों का. सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, जो कि है बनारस का फेमस फूड जॉइंट श्रीजी का मलइयो. तो वर्तिका, आप ट्राई करने वाली है बनारस का मोस्ट स्पेशल मलइयो. तो आई यू एक्साइटेड? बहुत दिन से मैं मलइयो के लिए बोल रही थी दीदी को, आज वो दिन आ ही गया. तो चलिए अब आपको खिलाते हैं बनारस का स्पेशल मलइयो. तो ये है श्रीजी की शॉप एंड फिर आपका रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे कि आपको कैसा लगा. वैसे पहले आपने इससे पहले ट्राई किया है? हाँ, करी हो लेकिन बहुत टाइम पहले. चलो तो रिकॉल करते हैं आपकी मेमोरीज और आपको टेस्ट कराते हैं मलइयो. वैसे तो विंटर्स के टाइम बनारस की हर गलियों में आपको मलइयो मिल जाएगा, बट ये श्रीजी का मलइयो कुछ ज़्यादा ही फेमस है बनारस में, इसलिए यहाँ पे लगानी पड़ती है लंबी लाइन, जो कि अभी थोड़ा टाइम ओवर हो चुका है, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने के कगार पे है, इसलिए लाइन थोड़ी छोटी है, बट फिर भी वेट तो करना ही पड़ेगा. चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू. लेट्स गो. अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए. वैसे तो ये स्ट्रगल सिर्फ मलइयो खरीदने में नहीं है बल्कि मलइयो खाने में भी है, क्योंकि मलइयो को लेने के बाद आपको एक स्पॉट ढूंढना होता है जहाँ खड़े होकर आप मलइयो इन्जॉय करने वाले होते हो. और वो स्पॉट ढूंढना यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत पतली सी गली है और चारों तरफ पब्लिक है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है हर तरफ की ओर से. तो बड़ी मुश्किल से हमने एक स्पॉट ढूंढा था और अब हम जा रहे थे मलइयो ट्राई करने. तो चलिए अब बारिश है, दूध ट्राई करने के लिए मलइयों के बाद जो हमें दूध मिलता है. तो चलिए आप पहले ट्राई करें. बहुत ही टेस्टी है. मैं मलइयों के बाद पहली बार ये दूध ट्राई कर रही हूँ, इसके पहले मैंने नहीं खाया.
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको भी इस वीडियो को देखकर मजा आया हो. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. यस, सो दैट आपको फ्यूचर की भी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए हर हर महादेव.